उपमंडल स्वारघाट में विधानसभा चुनावों पर पैनी नजर रखने के लिए उपमंडल अधिकारी चेत सिंह ने सभी अधिकारियों व दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उपमंडल अधिकारी चेत सिंह ने चुनावों में आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी चुनाव अधिकारियों को अपनी फील्ड की वीडियोग्राफी करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा पार्टी के उम्मीदवार को अपने चुनाव में सिर्फ 28 लाख रुपया खर्च करना होगा। चेत सिंह ने दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि जनमानस को हित में रखकर ही चुनाव का काम करें, जिससे जनमानस को नुकसान ना हो। साथ ही उन्होंने कहा प्रचार का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा और लाउड स्पीकर के लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही ये भी बताया कि नामांकन भरते समय 100 मीटर पीछे ही गाड़ियों को खड़ा करें। नामांकन के दौरान पार्टी उम्मीदवार व उनके 3 व्यक्ति ही उनके साथ होंगे। उसमें में सभी जो स्टेक होल्डर थे, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर लेवल के लोग थे, वो भी आए और उनके साथ हमने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू करना है उसके संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो सारे डिस्कस किए। उसमें ये था कि जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी तो उसमें कितने व्हीकल्स अंदर आएंगे और कितने लोग जो है जो आरओ का ऑफिस होगा उसमें आएंगे। तो इसमें ये कि 100 मीटर के अंदर सिर्फ 3 व्हीकल आ पाएंगे और जो नॉमिनेशन का रूम होगा जहाँ पे नॉमिनेशन फाइल होगा उसमें सिर्फ 5 लोगों का व्हीकल, जिसमें से एक कैंडिडेट होगा, 4 बाकी लोग। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट की गई कि उनके द्वारा जो जो जहाँ जहाँ पोस्टर रूम के अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर लगे हैं कहीं पर पोस्टर वॉल पेंटिंग होगी तो उस पोस्टर को वो वहाँ से हटाएंगे और अगर उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंग में कहीं इस तरह का कुछ लगाया है तो उसमें जो ओनर प्राइवेट बिल्डिंग का होगा उसकी परमिशन वो आरओ को 3 दिन के अंदर को पेश करें। तो हमें पूरा ऐसी उम्मीद है कि एमसीसी की जो गाइडलाइंस हैं उसकी हमने एक एक कॉपी जो है वो जो गाइडलाइंस फॉर द पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट वो भी इनको प्रोवाइड की और हमें पूरा जो सहयोग है इनसे मिलेगा और जो इलेक्शन है वो हमारा बहुत स्मूथली चलेगा। थैंक यू। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।